कहते हैं कि हम एक टिकटॉक का कोई वीडियो था, आप दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लॉट में पन्नी उठाने वाले बच्चे आते हैं, उस लड़के की शक्ल उनसे मिलती है। वो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, वो भी डार्क कॉमेडी थी, जोक था। डार्क कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी कहेंगे और यही तो हम बॉलीवुड को इसी पे तो गाली देते हैं जी। कई मैं तू पागल है क्या, अबे तू पागल है। जैसे डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहा हूँ, कई पत्रकार भी पत्रकारिता के तौर पे कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी गलत चीजें होती हैं। जा अच्छा बात नहीं है। अभी आपको लगता है ऐसे कोई पार्टी आपकी पसंद की, ये पार्टी मैं पसंद करता हूँ, इसकी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है? ये क्या है? ऐसी कोई पार्टी नहीं है, मैं बस पूल पार्टी पसंद करता हूँ। फिट रखने के लिए एल्विश क्या करते हैं? मैं फिट रहने के लिए सोता हूँ। इसको सुन के बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं कि सोने से व्यक्ति फिट हो जाता है। प्लीज आप सच बताइए क्या करते हो? सोने से सही में सोता हूँ। कितने घंटे? मैं तो एक दिन तो 24 घंटे सो गया था। क्या बात कर रहे हो, कौन सा था वो जब 24 घंटे सो गए थे आप? ऐसे कई दिन आए लाइफ में जब 24 घंटे बाद सो गया। ऐसे ही ऐसे मतलब 24 घंटे कौन सोता है भाई? हम सोते हैं क्या? रुको जरा, सबर करो। वो फिर भी रोकते टोकते हैं कि यार थोड़ा कम चला ले बट अपने आप को भी टाइम दे, हमें भी बोलो। अब तो ये मेरा प्रोफेशन बन गया। नहीं, फिर भी फैमिली इज इम्पोर्टेंट। फैमिली इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, बिग बॉस में एंट्री कैसे हुई? मेन गेट। से आपका शुरू हुआ यूट्यूबर वाला? मेरा हुआ ये स्टार्ट 2016 में। कैसे? ऐसे ही। लेकिन एक सेकंड मीटअप हुआ, हाँ सीएम आए थे, आप देख सकते हैं उसका सिस्टम, बस पूरी दुनिया हैंग करने पे चला है।